पे नोट्स लिखा हुआ है और यहाँ पे नंबर्स लिखा हुआ है, यानी कि कौन सा नोट आप कितना दे रहे हैं। मान लो अभी 2000 आप दे रहे हैं तो 500 का 4 आप नोट दे रहे हैं, यानी कि 2000 हो गया, तो आपको यहाँ पे 500 इंटू यहाँ पे 4 लिखना पड़ेगा और टोटल यहाँ पे 2000 लिखना पड़ेगा। हाय गाइस, स्वागत करता हूं आपका फिर से एक ब्रांड न्यू वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में आप जानने वाले हैं हाउ टू फिल SBI डिपॉजिट स्लिप। देखो, अगर आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अकाउंट है और जब आप वहां पे पैसे जमा करने जाते हैं तो बैंक वाले जो है ना आपको ये वाला स्लिप देता है, ठीक है। तो सिंपली से आपको इसको भरना होता है और बैंक में जमा करना होता है। तो आप में से कई सारे लोग ऐसे हैं जिनको ये फॉर्म भरना नहीं आता है, तो वो कहते क्या है कि दूसरे को बोलते भैया मेरा थोड़ा फॉर्म भर दो ना यार, थोड़ा आप मेरा फॉर्म भर दो ना, लेकिन लोग भरते तो है नहीं और सिर्फ आपका टाइम वेस्ट हो जाता है। तो अभी मैं आपको कंप्लीट गाइड करूंगा कि किस तरीके से आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, वो भी 5 मिनट के अंदर खुद से। तो चलो मेरे साथ इस वीडियो का एंड तक देखते हैं और समझते हैं पूरे प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप। तो गाइस, सबसे पहले आप जो है अपना पासबुक निकाल लो। तो देखो, ये रहा पासबुक, है ना। तो चलो फटाफट से अब हम इस फॉर्म को जो है फिल करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको डेट डालना है, जिस दिन आप पैसा जमा करेंगे वो डेट आपको यहाँ पे डालना है। तो मान लो कि आज 1 अप्रैल 2022 है, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे 01, उसके बाद 4 और यहाँ पे 22, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना ब्रांच लिखना है। तो अभी देखो, यहाँ पे जो पासबुक में आपको दिख रहा है एक नंबर में जो मार्क मैंने किया है, ये है ब्रांच। तो आपका जो भी ब्रांच का एड्रेस है वो यहाँ पे डाल दो। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना अकाउंट नंबर डालना होगा, ठीक है, जो कि बेसिकली 11 डिजिट का होता है। देखो यहाँ पे पासबुक में मैंने 2 नंबर में जो मार्क किया हुआ है वो आपको दिख रहा है, तो सिंपली से वो आप यहाँ पे डाल दो, है ना। तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ, उसके बाद तो देख सकते हैं कि आप मैंने अकाउंट नंबर डाल दिया है। उसके बाद आपको क्या करना है, नीचे में अपना नाम डालना है, ठीक है। तो जो भी है तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, उसको नाम डालने के बाद नीचे में आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है। तो अगर आपका मोबाइल नंबर है तो आप डाल दो यहाँ पे। फॉर एग्जांपल मैं एक डेमो के लिए कोई भी नंबर डाल देता हूँ, ठीक है। तो मैंने एक डेमो के लिए एक नंबर डाल दिया है। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना अमाउंट डालना है, यानी कितना पैसा आप अपने बैंक में जमा करना चाहते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल मैं 2000 जमा करना चाहता हूँ, तो मैं लिखूँगा यहाँ पे 2000, ठीक है, 2000 मैंने लिख दिया। उसके बाद आपको इसी 2000 को यहाँ पे वर्ड्स में लिखना है, तो आप यहाँ पे वर्ड्स में लिख दो 2000s ओनली, ठीक है, 2000s ओनली। उसके बाद आपको टोटल अमाउंट यहाँ पे वापस से लिखना है 2000, तो यहाँ पे 2000 लिख दो और ख़त्म करो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे लिख रहा है पासिंग ऑफिसर, तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, बैंक वाला जो है यहाँ पे आपको मोहर मार के देगा, ठीक है। चलो अब इधर आ जाओ। अब देखो यहाँ पे क्या करना है कि ऊपर में पैन नंबर दिख रहा है, अगर आप 50,000 या 50,000 से ज़्यादा का अगर डिपॉजिट कर रहे हैं तो आपको पैन नंबर देना होगा, लेकिन हम तो 2000 कर रहे हैं तो हमको इसका ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब नीचे में देखो यहाँ पे नोट्स लिखा हुआ है और यहाँ पे नंबर्स लिखा हुआ है, यानी कि कौन सा नोट आप कितना दे रहे हैं। मान लो अभी 2000 आप दे रहे हैं तो 500 का 4 आप नोट दे रहे हैं, यानी कि 2000 हो गया, तो आपको यहाँ पे 500 इंटू यहाँ पे 4 लिखना पड़ेगा और टोटल यहाँ पे 2000 लिखना पड़ेगा। लेकिन अगर मान लो कि आप 2000 रुपये 500 का 3 नोट दे रहे हैं, ठीक है, और 200 का 2 नोट दे रहे हैं, तो कितना हो गया, 1500 और प्लस 400 1900 और 100 का 1 नोट दे रहे हैं, ठीक है। मैं आपको समझाता हूँ लिख के। मान लो कि 500 का मैंने 3 नोट दिया, उसके बाद 200 का 2 नोट दिया, ठीक है, और 100 का 1 नोट दिया, ठीक है। तो 5 + 1500 यहाँ पे 1500 हो गया। उसके बाद मैंने 200 का 2 नोट दिया तो कितना हो गया, 400। 100 का 1 नोट दिया कितना हो गया, 100। टोटल कितना हो गया, 2000। समझ आया। इस तरीके से आपको नंबर्स भरना है और इंटू करके यहाँ पे डालना है और आपको यहाँ पे टोटल कर देना है, ठीक, ओके। उसके बाद आप देखो यहाँ पे जो है सेम जो आपने यहाँ पे भरा था ना ये सारा डिटेल्स, वही आपको यहाँ पे भी भरना है, ठीक है। तो आपको भी सेम वो डिटेल डाल देना है यहाँ पे, जैसे कि 2022 डेट डाल दिया, उसके बाद ब्रांच,
तो ब्रांच हमने डाल दिया, उसके बाद हमने अकाउंट नंबर वहाँ पे डाला था, ठीक है। तो यहाँ पे अकाउंट नंबर भी हो गया, वापस से आपको अपना नाम डालना है यहाँ पे, नाम हो गया। उसके बाद आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है, ठीक है। तो मैं जो नंबर वहाँ पे डाला था डेमो के लिए, वही नंबर यहाँ पे भी मैं डाल के आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। उसके बाद नीचे में यहाँ पे आपसे ईमेल आईडी बोल रहा है, तो अगर आपका ईमेल आईडी है तो आप दे सकते हैं, नहीं है तो कोई बात नहीं, इसको छोड़ सकते हैं, चलो उसको छोड़ देते हैं। उसके बाद वापस से आपको रुपीज़ इनवर्ड्स, यानी कि जो 2000 था उसको उसी तरह से लिखना है, 2000 ओनली, ठीक है, 2000 ओनली, ठीक है। यहाँ पे हो गया। अब वापस से आपको टोटल अमाउंट यहाँ पे टोटल लिखना है, ठीक है, 2000 हमने जमा करना था, 2000 लिख दिया। उसके बाद यहाँ पे भी देखो पासिंग ऑफिसर है, तो आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है, बैंक वाला यहाँ पे मोहर मारेगा। एंड यहाँ पे फाइनली देखो यहाँ पे लिखा है सिग्नेचर ऑफ डिपॉजिटर, यानी कि आप अपने लिए जमा करने जा रहे हैं अपने अकाउंट के लिए, तो आप अपना सिग्नेचर कीजिए, या फिर अगर आप अपने मम्मी पापा या किसी रिलेटिव का जमा करने जा रहे हैं तो भी आप यहाँ पे अपना सिग्नेचर कर सकते हैं, यानी कि जो डिपॉजिटर होता है वो अपना सिग्नेचर कर सकता है। तो मैं यहाँ पे अपना सिग्नेचर मार देता हूँ मान लो, ठीक है। यहाँ पे जो है हमने सक्सेसफुली इस फॉर्म को फिल कर लिया है, और अब जो है आप इसको काउंटर में जमा कर सकते हैं। तो जाओ इसको काउंटर में दे दो, एंड वो जो है आपका पैसा जमा करके एक रिसिप्ट आपको दे देगा, ठीक है। तो देखा आपने कितनी आसानी से जो है हमने इस फॉर्म को फिल कर लिया है, इसी तरीके से जो है आप भी अपने फॉर्म को फिल कर सकते हैं, साथ ही साथ आप दूसरे के फॉर्म को भी जो फिल कर सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, अगर ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दो, दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना, और अगर इस वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी डाउट है, सजेशन या फिर कोई सवाल है तो नीचे कमेंट कर देना, 100% ट्राई करूंगा आपके कमेंट का रिप्लाई करने का, और अगर आपका कोई जेन्युइन सवाल हुआ तो आपके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो लेकर आ जाऊंगा। सिर्फ आपके लिए यहां पे दो वीडियो का लिंक दे रहा हूं, जो भी आपको पसंद है उस पर क्लिक करो एंड एंजॉय करो।